हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया है स्किल डायरेक्शन। आज हम पीएचडी से रिलेटेड एक अपडेट लेके आए हैं। ये है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट NABI। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो अंडर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत फंक्शन करता है। हेलो स्टूडेंट, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि स्किल डायरेक्शन पर पीएचडी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पिछले एक महीने में स्किल डायरेक्शन ने 70 यूनिवर्सिटियों के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन पर ऑन टाइम वीडियो बनाया है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्किल डायरेक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो देखिए, इसमें लिखा है पीएचडी प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी 2022 एडमिशन है। तो ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इसमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीट। तो देखिए, ये है 5 ईयर्स का है ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी कोर्स। द ड्यूरेशन इन फॉर 5 ईयर एंड मैक्सिमम 7 ईयर है। ये एरिया ऑफ पीएचडी रिसर्च वर्क तो है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन बायोटेक्नोलॉजी। और नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 6 सीट है। रिजर्वेशन ऑफ सीट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू होंगे यहाँ इसमें। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए तो मिनिमम आपको पास MSc मास्टर डिग्री होना चाहिए। एरिया ऑफ लाइफ साइंस M Pharma, MBS, MBBS और इक्विवेलेंट डिग्री आपको होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमानुसार। और ये हो गया। और एडिशनल आपको नॉलेज चाहिए। और इसमें यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ फेलोशिप की बात करें तो द स्टूडेंट एडमिटेड टू द प्रोग्राम विल बी टू वैलिड फॉर फेलोशिप ऑफर टू देम फॉर द डिफरेंट ग्रांटिंग एजेंसी एज पर द रूल। तो यानी कि आपको फेलोशिप दिया जाएगा, नियमानुसार दिया जाएगा और विभिन्न प्रकार के जो एजेंसी है, जो फेलोशिप है, उस वहाँ से आपको ग्रांट दिया जाएगा। तो ये हो गया। और फ़ी की, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा प्लस GST 18%। तो कुल मिला के आपको 590 रुपया हो जाएगा। और ये सबके लिए, शायद ये इस पर नहीं लिखा है SC ST OBC किसके लिए, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है एप्लीकेशन आपको फ़ी देना होगा, ये दिया है पूरा डिटेल्स, अकाउंट नंबर दिया है, बेनिफिशरी अकाउंट डिटेल्स दिया है, नेम दिया है, बैंक अकाउंट एड्रेस भी दिया है यहाँ पे, पूरा SSH। आप तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन तो है, तो ये 31 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू आपके जो होंगे तो अनुमानता है कि आपका 22 जून तक आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे। तो ये रहा। और सिलेक्शन प्रोसेस के इस बारे में दिया है आपको, काइंडली नोट द फ्लोइंग इम्पोर्टेंस पॉइंट। आपको ये देख लीजिए, निम्नलिखित पॉइंट को आपको सिंगल एडप्ट PDF में देना होगा। और इसके साथ आपको को माइग्रेशन का सर्टिफिकेट, 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th का स्टार्टिंग डेट ऑफ बर्थ के लिए, ग्रेजुएशन की डिग्री के देना मार्कशीट देना होगा और सर्टिफिकेट देना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का देना होगा आपको सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट ऑफ नेट एग्ज़ाम हैविंग ऑन फेलोशिप है तो काइंडली इंश्योर द एप्लीकेशन प्रूफ ऑफ फी सबमिशन अबव द मेंशन। ये सब आपको लगाकर और तब 21 में द नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू टू लास्ट 31 मई के बाद आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाया मेल द्वारा आपका इंटरव्यू का शेड्यूल दिए जाएंगे।
कैंडिडेट शुड इंश्योर द इंफॉर्मेशन मेंशन द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इंश्योर करना होगा पूरा डिटेल्स यहाँ पे। तो ये रहा आज का पूरा इम्पोर्टेंस नोटिफिकेशन, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अंत में ही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले और आप ऑन टाइम फॉर्म अप्लाई करके और पीएचडी में एडमिशन लेके पीएचडी शुरू करना शुरू कर दे। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल अगेन।